एवरीबॉडी वेलकम टू टुडेज अलसी वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस बार जो लॉकडाउन लगा था उसमें मैंने कैसे अपना रूटीन बनाया, क्या क्या किया। तो ये वाला लॉकडाउन थोड़ा सा टफ था क्योंकि इस बार सबको कोरोना हो गया था, बट अब हम सब ठीक हैं, रिकवर कर रहे हैं। मेरी मॉर्निंग जल्दी जल्दी स्टार्ट होती हैं आजकल क्योंकि मम्मी पापा रिकवर कर रहे हैं, तो उनके लिए सुबह जल्दी चाय पानी ये सब। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं, और आई होप कि आप सब लोग ये इन्जॉय करें वीडियो। मैंने इस कॉकरोच को मार दिया। सॉरी, मेरे पैर पे आ गया था ये। अब डाल देंगे इसमें अदरक, जब इसमें उबाल आ जाता है। ये है मेरे चाय बनाने की रेसिपी। ये रहा मेरा टेम्परेचर, जो कि मुझे लगा आज चेक करना चाहिए क्योंकि मुझे सुबह सुबह ठंड लग रही थी। जब दिल्ली में कोरोना केसेस काफ़ी बढ़ रहे थे, लॉकडाउन नहीं लगा था, तो उससे पहले ही मैंने अपने घर में जो हाउस हेल्प के लिए आती थी माया जी, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, बट माया को मैंने मना कर दिया था कि माया अब थोड़े दिन रुक जाओ, बाद में आना जब थोड़ा सिचुएशन सब ठीक हो जाए। तो मेरी मम्मी को मुझ पर गुस्सा आ गया कि भाई अभी से क्यों, ऐसा क्यों। तो मैंने मम्मी से कहा कि मेरी जिम्मेदारी है सब, मैं पोछा लगाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी। मैंने बोल तो दिया है, फिर मैंने लगाया भी, फिर मेरे को चांद तारे नजर आ गए। पहले बेड बनाते थे, झाड़ू नंबर आता था, झाड़ू हम आराम से बड़े प्यार से लगाते हैं। झाड़ू लगाते लगाते मैं देखती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जहाँ पे डस्ट हो सकती है, तो डस्टिंग वगैरह भी करते। और ये था एक हमारा फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर, तो ये इसका भी क्लीनिंग पता नहीं मम्मी पापा तो कर नहीं पाते, तो मैंने अभी आके करी। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा था। ये तीन लेयर होती है, कार्बन लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर, तो इन सब तीनों को मैंने अच्छे से साफ करा, फिर दोबारा पैक करा ताकि अच्छे से दोबारा एयर अच्छी हो जाए। धूल मिट्टी हटाने के बाद फिर आता है पोछा। पोछे के लिए हम आपको रेसिपी बताते हैं, पोछा रेसिपी कैसे बनाते हैं। एक बाल्टी लीजिए बेकार वाली, जो भी पोछे के लिए यूज होती है, उसमें पोछा डालिए, पोछा धोइए और गंदा पानी हो तो उसे फेंक दीजिए, फिर नया पानी लीजिए, फिर उसमें लाइजोल वगैरह डालिए, और उसके बाद सर्फ भी डाल सकते हैं आप थोड़ा सा, पता नहीं मुझे सर्फ समझ नहीं आता, बट मम्मी डलवाती है थोड़ा सा। और फिर इस पानी से आप दो तीन कमरे यूज कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं। चीज में मैं पता नहीं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ, चाहे मैं छोटे से छोटा कोई भी काम करूँ लाइफ में। ये एक बाल्टी से मैं दो कमरे कम से कम कवर करती हूँ, और एक कमरे के लिए मैं दो बार पोछा धोती हूँ ताकि अच्छे से धूल मिट्टी ना रहे। मैं हफ्ते में कम से कम 3 दिन पोछा झाड़ू करती थी, और दिन जिस दिन पोछा नहीं लगता तो उस दिन झाड़ू कर देती थी अच्छे से। घर इतना गंदा होता नहीं था, बट मैनेज कर लिया था मैंने, बट ओहो क्या हाथ पैर दुखते हैं उसके बाद, करके देखिए आप, पता चलेगा आपको। यही वीडियो मेरी मम्मी की फेवरेट होने वाली है। Hey everybody, welcome to today's video। और ये आपको चलाते हैं जी। यस, ये लैंप है हमारी जो कि हमने ओन सेंटर से खरीदी थी, और ये फालतू का सामान खोले। और हाल फिलहाल में मैंने अपना नया प्रिंटर खरीदा ताकि मुझे बाहर ना जाना पड़े, एप्सन का एक्सीडियोर विजन, और ये मॉडल है L3150। और ये इंक टैंक है, इसके काफी अच्छे रिव्यूज हैं, इसलिए मेरे को लगा ये वाला खरीदना चाहिए। इसका प्राइस था 13,699 समथिंग। और इसके साथ ये ऑब्वियसली A4 साइज, और इसके साथ मैंने अमेजोन से कुछ और भी खरीदा, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा बहुत मन है कैंडल बनाने का, तो इसलिए मैंने ये एक DIY क्राफ्ट किट खरीदी ताकि कुछ कर सकें इस लॉकडाउन में। और इनको बना के हम किसी को भेजेंगे, और देखते हैं किसको भेजते हैं। तो ये हमारा बॉक्स है, इसे खोल के देखते हैं क्या है इसमें। थैंक यू, वी होप यू एंजॉय योर परचेज। ये है इंस्ट्रक्शन, और वाओ इसमें तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और ये है रियल फ्लावर पेटल्स, दिस इज लेवेंडर आई गेस, एंड दिस इज रोज। ये है किट फॉर मेकिंग सोयवैक्स कैंडल, सोयवैक्स है, और ये है लेमन ग्रास, रोज, लेवेंडर। तो और ये सोयवैक्स देखते हैं कितनी आई है, ओहो वाओ। और ये जार हैं इसमें, तो इनको बाद में हम बनाते हैं, पहले हम अपने प्रिंटर को देखते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस करने से पहले मैं यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखती हूँ उसके बारे में कि ठीक है कि नहीं, ऑनलाइन साइट्स पे भी देखती हूँ, तब जाके मैं डिसीजन लेती हूँ कौन सा लेना बेहतर रहेगा। इसीलिए मैंने ये एप्सन का प्रिंटर चूज़ करा क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे फंक्शन है, वाईफाई भी है, प्रिंट कॉपी स्कैन सब कुछ आप कर सकते हैं, और इतना महंगा भी नहीं है 13,000। बाकी HP और कैनन वगैरह के काफ़ी महंगे थे, मुझे कोई ज़्यादा एडवांस प्रिंटर नहीं चाहिए था। वाईफाई, कॉपी प्रिंट, स्कैनिंग वगैरह सब कुछ है। आप इसे ओपन करते हैं, इसमें एक कलर फिल करते हैं, और फिर देखते हैं प्रिंट करके कैसा सब निकलता है। तो ये इसलिए लिया क्योंकि मैं काफ़ी बाहर जाना पड़ता है यूट्यूब की वजह से, कभी मैं कोलैबोरेशन करती हूँ तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन, तो वो मेरे को डर लगता है कि कहीं सारी प्राइवेसी मेरी बाहर ना डिस्क्लोज हो जाए, मुझे कभी कभी डर लगता है, मेरा फ़ोन नंबर जाता है, मेरा एड्रेस जाता है। फिर इसीलिए अब जाके मैंने डिसीजन लिया कि चलो एक प्रिंटर में इन्वेस्ट करते हैं, और पापा भी आगे यूज़ कर सकते हैं अगर मैं ना
ना कर पाऊँ। तो ये वाला प्रिंटर इसलिए अच्छा लगा, इंक जल्दी ड्राई नहीं होती और इंक इतनी महंगी भी नहीं है, इसे यूज करना भी इजी है। इसमें लिखा था कार्टन में वो खरीदने के बाद आप इंस्टॉल करने के लिए किसी को भी कंपनी से बुला सकते हैं कस्टमर केयर पे, बट मुझे लगा कि इतना कोई टफ नहीं होगा, फालतू में क्यों इस लॉकडाउन में मैं किसी और को परेशान करूँ। बहुत ईजी था इसे इंस्टॉल करना। अब हम इसके ऐप पे जाते हैं और एग्री और ओके और अलाउ दिस और ब्लूटूथ ओके ओके हेलो माय प्रिंटर आर यू। तो कुछ पढ़ने लिखने के बाद अब फाइनली इंक सेटअप हो रहा है, इंक चार्जिंग सेटअप, और ये इंक थोड़ी सी कम हो गई है सब में से पहले फुल थे एक बारी, तो मुझे लग रहा है अब ये सेटअप हो चुका है, अब ये इंक वाली लाइट भी बंद हो चुकी है यहाँ पे। अब ट्राई करते हैं इसे प्रिंट करना, और सबसे पहले क्या प्रिंट करें, हमारे पास है ये बुक BTS की, तो देखते हैं ये BTS को प्रिंट कर पाते हैं कि नहीं। तो इसको मैं ब्लैक एंड वाइट करती हूँ और इसको हम कलर करते हैं, ब्लैक एंड वाइट है और ये कलर कॉपी के लिए। आई एम स्केर्ड, हेलो BTS। तो ये मैंने हिला दी थी इधर बीच में क्या हो गया BTS, सॉरी सॉरी BTS, मैंने इसे इधर कर दिया था ये बुक को बीच में ही जब ये प्रिंट हो रही थी, सॉरी BTS क्या हो गया तुमको। और अब कलर प्रिंट करते हैं इसको, अब हिलाएंगे नहीं ताकि BTS बिगड़ ना जाए हमारे। और ये कलर प्रिंट, चलो स्टार्ट हो जाओ। वाह ओके, तो ये रही हमारे BTS फाइनली पर ये काफी अच्छी प्रिंटिंग है, देखिए वाओ BTS हेलो। जब भी मैं इंडिया में होती हूँ, बहुत ज़्यादा फालतू होती हूँ, तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने बालों को एक नेचुरल DIY हेयर मास्क दे सकूँ, और इस बार बनानास काफ़ी बच गए थे और काफ़ी राइप थे, तो ये बहुत ही परफेक्ट है एक हेयर मास्क बनाने के लिए। तो ये बनानास मैंने थोड़ा सा स्मूथ पेस्ट बना लिया ताकि मेरे बालों में पीसेस ना रहें, और इस पेस्ट में मैंने दही मिलाई, हनी मिलाया और मैंने कोकोनट ऑयल मिलाया, बट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये मास्क मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि थोड़े बाल मेरे को स्ट्रांग लगते हैं, शाइनी लगते हैं इसके बाद यूज़ करने के बाद, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको भी अच्छा लगे, बट आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी हेयर मास्क मैं हेयर वॉश करने से पहले यूज़ करती हूँ, एक घंटे लगा के रखती हूँ ताकि अच्छे से वो काम कर सके। और यहाँ पे मैंने येलो सूट पहन रखा है क्योंकि मैं उस दिन की एक्चुअल वीडियो बनाना भूल गई थी, तो मैंने जब मैंने दूसरे टाइम ये बनाना मास्क लगाया था तब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी कि अरे मुझे दिखाना भी तो है लोगों को कि कैसे मैं मास्क अप्लाई करती हूँ। तो रिसेंटली मुझे इंस्टाग्राम पे एक स्मॉल बिजनेस पेज मिला, इसका नाम है टाई इट अप, ये सब मंगाया था मैंने, ये है चारकोल और ये लीक हो गया इसलिए पैकेट पूरा अंदर ऐसा हो गया, और ये एक कैंडल आई थी इसके साथ छोटी सी, तो ये मैंने किट मंगाई थी, और ये कॉपी स्क्रब छोटा सा, और ये चार टाइप के बासॉल्ट आए थे, लेमन ग्रास, लेवेंडर, ओशियन। तो आज हम पूरा फैंसी होके नहाएंगे। कैंडल का मुझे पता नहीं बहुत शौक है, ये कैंडल्स की एक छोटा सा पेज मिला मुझे, कभी कभी जलाती हूँ मैं, और इनके कंटेनर अच्छे हैं, खुशबू बहुत अच्छी है, थोड़ा सा भी जलाओ बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस हो जाती है। पेज पे अभी तक तीन टाइप की कैंडल्स हैं, मैंने तीनों मंगा ली, इन्होंने मेरे को ये प्री गिफ्ट दिया, ये है कैंडी मेल्स, और ये बहुत ही प्यारी पैकेजिंग हर चीज़ की, मुझे पता ही नहीं कैंडी मेल्स होता क्या है। वाह, और ये बीज वैक्स कैंडल्स हैं। मैं सोच रही हूँ अपनी इन दीवारों को पेंट करूँ, ये देखिए मेरे पीछे क्या हाल हो गया इसका, और ये सब पापा ने हटा दिया, और ये देखिए क्या पेंट कराएंगे, तो इसको संभालना है, इसको दोबारा पेंट करेंगे। और आज हमारे पास सुबह सुबह ये पार्सल आया बहुत बड़ा, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या आया है। मुझे इंस्टाग्राम पे इनका पेज मिला था, उनकी ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। और इस कंपनी का नाम है हिमालयन हार्ट, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। वाह, इन्होंने एक सैंपल भी दिया, द हिमालयन हार्ट टीम, सो स्वीट। और ये इनके लिंक्स, ये कंपनी मुझे अच्छी लगी है और मुझे इन्हें सपोर्ट करना था इसलिए मैंने ये सब कुछ ऑर्डर करा। हिमालयन हार्ट चमकी स्ट्रॉबेरी प्रिजर्व, सिट्रस सिनेमन कैमोमाइल इन्फ्यूजन, ये है हिमालयन हार्ट ऑर्गेनिक कैमोमाइल फ्लावर्स,
टोमेटो बेजल पास्ता सॉस विद गार्लिक चिली सॉस। तो वाले ऑर्डर के बाद मैंने एक और चीज ऑर्डर की थी छोटी सी अपने लिए। इंस्टाग्राम पे मैं अभी स्क्रॉल कर रही थी और अचानक से मुझे एक रील मिली बड़ी क्यूट सी, और वो मुझे बहुत क्यूट लगा और इसीलिए मैंने डिसाइड किया वाओ कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये है द ब्लू ब्रिगेड और इंस्टाग्राम पेज भी इनका इसी नाम से है और इन्होंने ऐसे लिखा था सुन लिया था हार्ट के साथ। और ये आई थिंक ये इन्होंने सबसे पहली फ्री चीज दी है मुझे। तो सबसे पहले हेलो, वी वांट यू टू नो दैट दिस इज अवर बिगेस्ट ऑर्डर येट एंड वी आर ग्रेटफुल यू चोज अस टू लव द ब्लू ब्रिगेड। क्रंचीज मिलते हैं कोरिया में बट बहुत ही महंगे होते हैं, 10,000-5,000 कोरियन वॉन। मेरे को ये जब दिखे तो 40 रुपीज ईच, कोई 60 रुपीज ईच, तो मुझे लगा वाह इनसे लेने चाहिए। बात पैसों की भी नहीं है, लॉकडाउन में बहुत लोगों ने छोटा मोटा बिजनेस ओपन करा तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। छोटे बिजनेस ओपन होंगे तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, लोग अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं। अगर आपको भी कोई आइडिया हो, काम करना चाहते हैं, प्लीज़ आगे जाइए और अपना छोटा जो भी बिजनेस है ओपन करिए, दूसरों को इंस्पायर करिए और क्या पता आपको ये छोटा सा स्टेप आगे बहुत ले जाए। आजकल सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती हैं ये चीज़ें, तो प्लीज़ उसका बहुत ही अच्छे से यूज करिए। फिर मेरे को ये सारे अच्छे लगे, मैं धीरे धीरे करके यूज करूंगी इन सब। Hey everybody, तो आज हम बना रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा, और ये हमारी तहीनी बन रही है। मैंने अपने सेसमी सीड रोस्ट करके थोड़े से ब्राउन करके और ऑलिव ऑयल यूज करके, और ये हमारा तहीनी पेस्ट, और बाद में हम हम्मस बनाएंगे। हम्मस ये मेरे कॉर्न्स बॉयल हो रहे हैं, और ये ब्रोकली है, और ये क्या ही है इसे क्या बोलते हैं, पहली बार लिया मैंने, क्या बोलते हैं इसे, केल, और केल लीव जो कि बहुत महंगे आए हैं, 450 के दिए हैं, कितने 450 ग्राम, पर फिर भी ठीक है मिल गए, ये बहुत अच्छी बात है। ये बेजल है और पार्सले है, ये भी मिल गया मुझे अपने लोकल सब्जी वालों से। और ये रोस्टेड क्या है, ये पेपर, रेड पेपर, कुकुम्बर, और ये क्या है, छोले। इसकी हम अभी हमस बनाएंगे और देखते हैं क्या ही बन के आता है ये सब, फिर मैं आपको बताती हूँ। हमारी हमस बन गई है, ऐसी कुछ दिखती है, और मेरे मिक्सर में से बदबू आ रही है जलने की ज्यादा प्रेशर दे दिया मैंने। तो ये ऑलिव ऑयल है और इसमें मैं डालूंगी लहसुन, और ये जेस्ट, लेमन जेस्ट, ताकि फ्लेवरफुल हो जाए, और फिर छोले भी डालूंगी इसमें, छोले हैं ना, हाँ ये छोले हैं, और थोड़ी लाल मिर्च और नमक, और फिर मैं अपने अपनी हमस के ऊपर डाल दूंगी। ये जो छोले पकाए हैं वैसे डलते नहीं है, पर मैं अपनी मर्जी से डाल लूँगी, थोड़े से बचे हैं तो बस ठीक है, बाद में देखेंगे अभी से। तो अब ये है मेरे एग प्लांट, तो इसको मैंने मैरिनेट कर दिया ओरिगनो और चिली फ्लेक्स और नमक में और ऑलिव ऑयल, और इसको अब हम पैन में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और ये सारा कूड़ा पाओ, ये हमारे पिज्जा हट की चिली फ्लेक्स। ये देखिए हमारा पूरे किचन का क्या हाल हो रखा है, वेरी नाइस। और ये मेरा नया सैलड बन गया, यस। तो ये सैलड है, और यहाँ पर है ये किनुआ, बॉयल किया हुआ किनुआ, हेलो किनुआ, और ये हमारे बैंगन। तो सब कुछ असेंबल होने के बाद ऐसा दिखता है, ये हमारी हमस है, ये हमारे बैंगन है, ये किनुआ है, और ये सैलेड। ये इतना हेल्दी तो मैंने आज तक लाइफ में खाया नहीं होगा, पर ये कोरोना के चक्कर में हम कितना हेल्दी वेल्दी सोच रहे हैं। और ये मेरी मम्मी की वजह से भी बनाया, थोड़ा उनकी हेल्थ की वजह से वो रिकवर कर रही है, तो बस यस दिस इज माई फूड फॉर टुडे। बहुत ईजी था सब कुछ, बट एक एक करके ये चीज़ें बनाने में बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बाकी सब अच्छा लग रहा है। ओके बाय टाटा। हमेशा दिन के खाने के बाद मुझे आदत है कि मैं किसी टाइप की ग्रीन टी पीऊँ, या तो मैं रोज टी, कैमोमाइल टी या जिंजर टी पीऊँ, बट अभी मैंने अमेजोन से ये न्यू टाइप की टी खरीदी है, ये फ्रूट ब्लैक करंट टी, और इस टी का नाम है टाइफू। ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, अब तक की बेस्ट टी लगी, और बाद में मैंने पढ़ा कि ये कैफीन फ्री टी है, तो और भी ज्यादा मुझे खुशी हुई। हिबिकस है 61% और ब्लैक करंट है, और काफी कुछ हेल्दी चीजें हैं। तो मेरी आदत है कि मैं जब भी ग्रीन टी पीती हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स से भी पूछूं कि वो पीना चाहेंगे कि नहीं, वो हमेशा मना करते हैं, बट फिर भी मैं जबरदस्ती कोशिश करती हूँ कि देने की, कि नहीं एक बार तो पियो दिन में, तो फिर ले लेते हैं मेरे साथ जबरदस्ती जब उसमें हनी डाल दो। तो मैं बिना हनी के प्रेफर करती हूँ, बट आपको काफी टेस्टी लगेगी हनी के साथ। तो दिन में मैंने सब कुछ ही काफ़ी हेल्दी बना लिया था, अब जाके शाम को खाते हैं कुछ 50% अनहेल्दी और 50% हेल्दी। तो कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर अपडेट की थी नूडल्स की, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे उसकी रेसिपी पूछी थी, तो मुझे लगा कि अपनी वीडियो में इंक्लूड करना चाहिए। तो ये सिंपल सी नूडल्स हैं, मैं अपनी मैगी हो या कोई भी टाइप की नूडल्स हो, मैं कभी भी उसे प्लेन नहीं खा सकती, मेरे को हमेशा कोई ना कोई उसमें वेजिटेबल चाहिए। कुछ भी नूडल्स बनाने के लिए मैं सबसे पहले मूंगफली रोस्ट करती हूँ,
तो बार बार जरूरत पड़ती है, तो इस बार मैंने काफी सारी खट्टी रोस्ट कर ली। सेसमी सीड भी रोस्ट करे बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, और इन दोनों को मिक्स करके मैंने एक साइड रख दिया। नूडल्स के लिए मैंने यूज की थी इंडोमी मी गोरेंग एग नूडल्स, और इन नूडल्स को मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से, लगभग 700 रुपए दिए थे 20 पैक्स के लिए। और इसमें ऐड करने के लिए मैंने वेजिटेबल जो ली थी वो थी ग्रीन ऑनियन, ब्रोकली, धनिया और हरी मिर्च और अदरक और लहसुन। और साथ में मैंने अपने सब्जी वाले भैया से कहा था कि भैया बॉक चोय अगर आपको वेजिटेबल मिले तो प्लीज ले आना, तो वो अगले दिन ले आए। मैंने इसमें छोले ऐड किए थे। वैसे तो सीजनिंग नूडल्स के साथ भी आती है, बट मैंने ये चिली ऑयल यूज किया था। ये चिली ऑयल भी मैंने अमेजोन से लिया था, ये काफी फेमस है। पानी में नूडल्स बॉयल करती हूँ और इसके साथ ये सीजनिंग है। ये सीजनिंग बहुत कम है, बट कोरियन वाले मी गोरिंग में बहुत ज्यादा सीजनिंग निकलती है, इसमें बस चार ही है। सबसे पहले मैं बॉयल करती हूँ थोड़ी सी देर के लिए, 3-4 मिनट के लिए, और जब लास्ट टाइम आता है तो मैं इसमें ये ग्रीन वेजिटेबल डाल देती हूँ ताकि थोड़े टाइम के लिए ब्लेंच हो जाए और थोड़ी सी पक जाए, और इसमें जो कीड़े वीड़े ना हो वो भी हट जाए। और फिर इसे निकाल लेती हूँ और इसमें ठंडा पानी डालती हूँ ताकि वहीं कुकिंग इसकी बंद हो जाए। और इसके बाद टाइम आता है इनको सब छौंकने का नहीं, मतलब मेन असेंबल करने का सब कुछ। कढ़ाई में बना रही हूँ ताकि सब कुछ इधर उधर ना फैले, तो सारी वेजिटेबल्स मैंने तेल में डाल दी हैं और सब अच्छे से 2-3 मिनट के लिए बस सौते किए हैं, और बाद में फिर नूडल्स डाल दिए हैं। और नूडल्स में सबसे पहले ऐड करूंगी मैं ये सारी सीजनिंग इनकी दोनों पैक की, और फिर साथ में अपना चिली ऑयल भी। चिली ऑयल मैंने जैसे 2 पैक यूज करें नूडल्स के, तो 2 चम्मच ही मैं चिली ऑयल यूज करूंगी। ज्यादा तीखा नहीं है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है आपको। और बाकी सब मिक्स करने के बाद धनिया डाल दूंगी एंड में, और थोड़ी देर बस 30 सेकेंड और चलाने के बाद बस बन गई है, और फिर इसको हम खाएंगे। और लास्टली जो मैंने अपनी मूंगफली और सेसमे सीड्स रखे थे रोस्ट करके, इसके ऊपर आप डाल दो और बहुत ही अच्छा लगता है। इसका टेस्ट काफी अच्छा आएगा। दिखने में मुझे पता नहीं कितनी अच्छी लग रही होगी आपको, बट ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।